इस आदमी के पूरे ही शरीर और चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा वायरस लग गए हैं। तो देखिए हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे बहुत ही सेफ तरीके से। तो देखिए हमारे चाकू ने बहुत ही सेफ तरीके से काट दिया। अभी हमारा चाकू आएगा और फेस वाले वायरस को काटेगा। तो देखिए एक फेस वाले वायरस को काट के गिरा दिया और देखिए दूसरे वाले को भी सेफ तरीके से काट के गिरा दिया। अब ये हमारा चाकू चला गया। अब ये हमारा छोटा वाला चाकू आया, सिकंजा वाला। तो देखिए इसके शरीर पे लगे हुए वायरस को निकाल रहा है और इस वाले वायरस को भी काट के सेफ तरीके से गिरा दिया। और ये हमारा चला गया, छोटा वाला चाकू आया। और ये देखिए जख्म वाले वायरस को तेजी से काटा। और अभी ये लास्ट बचा हुआ था तो इसको भी सेफ तरीके से काट के गिरा दिया। हमारा चाकू आया। और ये देखिए इसके स्टोमच पे बहुत ही तगड़े वाले वायरस लग गए थे तो उसको भी काट के सेफ तरीके से गिराया। अभी दूसरा हिस्सा इसका बचा हुआ है वायरस का। तो देखिए हम लोगों ने दूसरे वाले चाकू से काट के सेफ तरीके से गिरा दिया उसको भी। तो हमारा आ गया उस तरह का ब्लड। तो देखिए उस तरह का ब्लड भी बहुत ही सेफ तरीके से काटा वायरस को। अब ये हमारा उस तरह का ब्लड चला गया। अब हमारा चाकू आएगा। तो देखिए ये बहुत ही सेफ तरीके से गिराया सीने पे लगे हुए वायरस को। अब ये दूसरा वाला बचा हुआ है। और ये दूसरे वाले वायरस को भी सेफ तरीके से काट के गिरा दिया। अब ये हमारा चाकू का काम खत्म हो चुका है। तो हमारा आ गया छोटा वाला ब्लड। तो देखिए ये छोटा वाला ब्लड है लेकिन ये बड़े बड़े वायरस को काटता है। तो ये दूसरे वाले बड़े वाले वायरस को भी काट के सेफ तरीके से गिरा दिया। अब ये हमारा छोटा वाला चाकू आया। तो देखिए इसके पेट में लगे हुए वायरस को सेफ तरीके से काट के गिराया और इस वाले वायरस को भी सेफ तरीके से काट के गिरा दिया। अब ये देखिए हमारा छोटा वाला फिर से ग्रीन वाला चाकू आया। तो देखिए इसके सीने पे बहुत सारे वायरस लग चुके थे तो एक तो गिर गया, अभी दूसरे का नंबर है और ये भी सेफ तरीके से कट के गिर चुका है। अब ये चाकू का काम ख़त्म। ये हमारा छोटा वाला चाकू आया, हाथ पंजे वाला। तो देखिए फाइनली बहुत ही तगड़े से गिरा दिया। अभी कुछ कुछ वायरस बचे हुए हैं तो उसको हम दवा से साफ़ करेंगे। तो देखिए दवाई पड़ चुकी है एक जगह, अभी दूसरी जगह भी डाल देते हैं। तो इस जगह पे पड़ चुकी है और ये हमारा दवा जा चुका है। अब हम लोग कॉटन से इसे साफ़ करेंगे। तो टाइमर चलने देते हैं, टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो बहुत ही सेफ तरीके से ट्रीटमेंट हुआ है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।